अस्सलाम वालेकुम, आई एम नासिर जैतून फ्रॉम चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 4 है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्पीड पे चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, फिर इसके बाद मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, एक बात जान लीजिए कि आपकी ये जो स्लाइड्स हैं यही आपके नोट्स का काम भी कर सकती हैं। आप अगर ये स्लाइड्स, इनको प्रॉपरली, इनके अगर नोट्स बनाएं तो आप इनको एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो ये प्रॉपर आपके, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल से स्लाइड्स लिखी हैं ताकि आप इनके नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सुपर कंप्यूटर्स आपके वो कंप्यूटर्स हैं जो सबसे पावरफुल और लार्जेस्ट इन साइज़ होते हैं। अब बिगेस्ट इन साइज़ का मतलब क्या है कि आपके सुपर कंप्यूटर्स, इसमें रैम्स ज़्यादा लगी होंगी, इसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ आपके जो सीपीयूज़ हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो मिलियंस के हिसाब से लगे होंगे। इनकी मेमोरी के साइजेस, इनकी आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीबीज जो हैं इनमें स्लॉट्स लगी होंगी, और साथ इसमें नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव्स लगी होंगी जो इनको डेटा स्टोर कर रही होंगी। मोस्टली ये यूज़ होते हैं साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर आपके एक बड़े हॉल में आ सकता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं आपके, आप ये कह लें कि आपने अगर मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स लगाए हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, और आपने मेमोरी स्लॉट्स आपके पास हज़ारों के हिसाब से हैं, उनमें आपने मेमोरी लगाई हुई है, इंस्टॉल की हुई है, हार्ड ड्राइव्स आपके पास हज़ारों के हिसाब से हैं, उनको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके पास एक सुपर कंप्यूटर बनता है जो कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है और आपके जितने भी बड़े टास्क हैं ये परफॉर्म करता है। इसकी स्पीड जो मेजर की जाती है वो ट्रिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, आप इसको TIPS भी लिख सकते हो, टिप्स। नॉर्मली जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूज डेटा को लेना है, फिर रिकॉर्ड करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है, तो फिर इसके अलावा जो नासा के एम्स रिसर्च सेंटर है वहाँ पे भी USA में सुपर कंप्यूटर है, जो आपका आपकी बुक में इसकी एग्जांपल भी है, कोलंबिया सुपर कंप्यूटर है जो USA में है नासा के अंडर, जिस पे नासा की रिसर्च चल रही है। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये रिसर्च पर्पसेस के लिए और बड़े टास्क के लिए, जहाँ पे ह्यूज डेटा इन्वॉल्व हो, ह्यूज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो, ह्यूज मेमोरी आपको चाहिए हो और ह्यूज सेकेंडरी स्टोरेज आपको चाहिए हो, तो आप ये कंप्यूटर्स यूज़ करते हो। अब नासा इसलिए यूज़ कर रहा है सुपर कंप्यूटर्स क्योंकि उन्होंने जितनी भी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करनी है उनको फास्ट मेमोरीज चाहिए। आपका वो बिल्कुल भी नैनो सेकंड्स का भी डिले अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो नेटवर्किंग की स्पीड चाहिए वो जीबीज में चाहिए, दैट्स वाई उनको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज चाहिए और साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरीज चाहिए, इस वजह से वो यूज़ करते हैं। इसीलिए ये रिसर्च सेंटर्स में साइंटिफिक पर्पसेस के लिए मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो आपकी टाइप है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अगर देखा जाए तो आपके बैक एंड पे आपके जो डेटा सेंटर्स होते हैं नॉर्मली, जिसमें सर्वर्स होते हैं, वो आपके आजकल जो सर्वर्स हैं वो मेन फ्रेम्स हो सकते हैं। ये इतने हैवी नहीं होते लाइक सुपर कंप्यूटर्स, लेकिन एक आपके आम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ये आम कंप्यूटर के मुकाबले में बड़े भी होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं जहाँ पे डाटा इन्वॉल्व हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ़र्ज़ करें कि आपकी एक ब्रांच ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, दूसरी ब्रांच ऑफिस आपके एबटाबाद, कराची, लाहौर, इस तरह के ब्रांच ऑफिसेज हैं, तो आप एक मेन ब्रांच में आप मेन फ्रेम कंप्यूटर रख के उसके
उस पे सारा डेटा 100 ऑफ यूज़र्स को कंट्रोल कर सकते हो आप। तो मोस्टली ये नेटवर्किंग के लिए और साथ आपकी स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और एट अ टाइम जितने भी यूज़र्स इनको इन पे काम करें ताकि ये ओवरलोडेड ना हो, क्राउडेड ना हो, और इनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेन फ्रेम्स आपके एज अ सर्वर भी बिहेव करते हैं और मोस्टली एज अ सर्वर यूज़ होते हैं। इनकी स्पीड जो है वो बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में रिकॉर्ड की जाती है, और ये नॉर्मली बड़े हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन कंपनीज में, स्टॉक एक्सचेंजेस में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इनके अंडर यूज़र्स हैं, मतलब आपकी मल्टीपल लैब्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, तो आपके डिफरेंट लैब्स को कनेक्ट करने के लिए उनके बैक एंड पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा दिया जाता है ताकि वो उस डेटा को कंट्रोल करे, उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करे। इसके बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स, रेयरली यूज़ होते हैं अब, क्योंकि ये फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था मिनी कंप्यूटर 1980 में IBM का 5360 वो रिलीज़ किया गया था। उस वक्त के मिनी कंप्यूटर्स एक तरह के आज के आप कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स के बराबर हैं। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करते हैं इन अ सेकेंड, और फास्टर हैं, ह्यूज डेटा को प्रोसेस करते हैं। नॉर्मली आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रेफर किए जाते थे। इसके बाद आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स हैं, नॉर्मली प्रेफरेबल हैं कि आपके जो होम यूज़र्स हैं वो प्रेफर करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को आप ये कह सकते हो कि जो पुराने दौर के मिनी कंप्यूटर्स थे, आजकल के माइक्रो कंप्यूटर्स उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये इंट्रोड्यूस किए गए 1970s में, और नॉर्मली डिफरेंट शेप्स में ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स में एज अ PDA, आप एज अ स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। और इनकी एक तो ये लो कॉस्ट हैं, बाकी सारे के सारे जो अभी तक हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉस्टली हैं बहुत सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कंपनी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये लगाती हैं जहाँ पे ह्यूज डेटा कंट्री लेवल पे आपको या ह्यूज रिसर्च रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ पे आप ये यूज़ करते हो। इसके बाद आपके पास जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ये इतने कॉस्टली नहीं हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं मोस्टली बाय द होम यूज़र्स। तो होम यूज़र्स इनको यूज़ करते हैं ड्यू टू देयर साइज़ शेप, कि आप इनको डिफरेंट साइजेस शेप्स में यूज़ कर सकते हो। इनकी कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, वो हैं आपके पास सबसे पहले जो टाइप है इसकी डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये एक ऐसा माइक्रो कंप्यूटर है जो नॉर्मली आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में यूज़ होता है। इसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हो। इसकी अगर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप देखें कि वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो उसका एक सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम बॉक्स, जिसके अंदर माइक्रोप्रोसेसर, मदरबोर्ड, उसकी रैम्स इंस्टॉल्ड होती हैं, इसके अलावा उसकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल होती है। इसके साथ जो पार्ट्स रखे होते हैं वो LCD या LED आजकल यूज़ होता है, इससे पहले मॉनिटर था, और साथ कीबोर्ड और माउस इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस साथ हैं जो यूज़ होती हैं इस पे, इसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए आपकी LEDs और स्क्रीन्स हैं। अगर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस डिस्कस की जाएँ, तो नॉर्मली एक नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़र जो एक के होम यूज़र या होम यूज़र प्रेफर करता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका अगर 160 GB हार्ड ड्राइव है, या 500 GB, 160 GB से लेके 500 GB तक होम यूज़र के लिए एक अच्छी हार्ड ड्राइव है। इसके अलावा फिर आपके पास रैम्स अगर बात की जाए तो 4 GB से लेके 2 GB से लेके 4 to 8 GB ये एक नॉर्मल रूटीन में रिक्वायर्ड होती है, और आपके पास यही चीज़ें, और प्रोसेसर नॉर्मली कोर टू डू, कोर i3, कोर i7 और कोर i9, इसमें डिफरेंट जनरेशन्स के प्रोसेसर आ चुके हैं, ये आजकल यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम नोटबुक कंप्यूटर्स कह सकते हैं। नोटबुक बहुत स्मॉल साइज़ के लैपटॉप्स टाइप चीज़ है। नोटबुक की तरह ये फोल्ड हो जाते हैं और इनका वेट भी बहुत कम होता है।
इनको आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, रैम लगी होती है, वो इन ही की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है कि इस पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। नॉर्मली 160 GB मैक्सिमम हार्ड ड्राइव इसके साथ एटम प्रोसेसर और साथ इसकी रैम्स, और वो भी आपके पास 2 GB to 4 GB मैक्सिमम आती है। और ये प्रेफर्ड करते हैं मोस्टली यूज़र्स जो स्टूडेंट्स हों या फिर ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने कुछ अपने नोट पैड्स या फिर कुछ छोटा मोटा डेटा रखना हो, तो वो इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा लैपटॉप्स आ गए हैं। लैपटॉप्स आपके एक पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी आप इनको कह सकते हो। ये डेस्कटॉप के लेवल के कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लेवल के, और इनमें इनसे आपको फ़ायदा ये है कि ये पावर बहुत कम कंज्यूम करते हैं। एक डेस्कटॉप आप कंप्यूटर आप अगर लें और साथ एक लैपटॉप लें, तो इसमें सबसे बड़ा जो पावर कंजम्पशन का डिफरेंस है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ एलसीडी भी होगी, वो भी पावर कंज्यूम करेगी। डेस्कटॉप कंप्यूटर की अपनी भी 250 to 450 वॉट्स तक पावर सप्लाई पावर आती है, उसकी जो पावर सप्लाईज हैं तो वो काफ़ी पावर कंज्यूम करती है। जबकि एक 19 वॉट का 19 वॉट्स का एडाप्टर लगा के आप लैपटॉप को चार्ज करते हो और उसके बाद 2 से 3 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें आप इसको कहीं पे भी बैठ के विदाउट पावर अगर इसमें चार्जिंग आप कर लो, तो इसको चार्ज करके आप इसको यूज़ कर सकते हो 2 to 3 आवर्स, ठीक है जी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद आपके आ जाते हैं पाम टॉप कंप्यूटर्स। पाम टॉप कंप्यूटर्स स्मॉल, इतने स्मॉल हैं कि ये आपकी पाम में फिट हो जाते हैं, मतलब आपके हैंड में। तो आपके पास इसमें फैसिलिटीज़ उतनी तो नहीं होती कि लैपटॉप के बराबर की, लेकिन आपकी नेसेसरी फाइल्स, फ़ोन बुक्स, ये चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव की जगह आपको एसडी कार्ड्स लगाए जाते हैं, और मोस्टली ये टच स्क्रीन इनकी होती है, और कुछ पाम टॉप्स के साथ आपके कीपैड्स भी आते हैं, जो जिन पे आप इन जो भी सर्च करना है या कोई टाइप करना है, कोई मैसेज टाइप करना है, तो या कोई स्टोरेज का फोल्डर्स बनाने हैं, तो वो आप इनसे बना सकते हो। इसके बाद पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। ये भी आजकल इतने यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। आपके आजकल के जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इसी तरह की डिवाइस थी कुछ अर्सा पहले, जो आपके क्या करती थी कि आपका जो भी कॉल्स आप इससे कर सकते थे, इंटरनेट फैसिलिटी, इसमें नेटवर्किंग फीचर्स थे, और साथ साथ इसमें आप टच स्क्रीन, टच सेंसिटिव स्क्रीन थी जो कि पेन बेस्ड थी। मतलब आप इस पे जो भी, अगर आपने मैसेज किसी को करना है या कोई जो भी चीज़ इसमें स्टोर करनी है, तो आप इसको कमांड्स देने के लिए इसका स्पेशल पेन आता था, जिस तरह आजकल के सैमसंग की नोट सीरीज़ के साथ एक पेन होता है, इसी तरह के पेन बेस्ड पीडीएस थे। प्रेफर्ड वो लोग करते थे इनको जो बिजनेसमैन थे या जिनका इंटरनेट से कोई मतलब उन्होंने कुछ भी इंटरनेट फैसिलिटी अवेल करनी होती थी, तो इस तरह के लोग इनको यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि स्मार्टफोन्स की बदौलत ये बहुत रेयरली यूज़ हो रहे हैं, और स्मार्टफोन्स ने पीडीएस को और पाम टॉप्स को रिप्लेस कर दिया। तो व्यूअर्स, आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इनको, इस वीडियो को दोबारा से, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, और नोट्स इसके अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी से आप बना सकते हैं इसको। अगर आप बुक से कंपेयर करेंगे तो मोस्टली डेटा आपकी बुक से रिलेटेड ही है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ भी इसमें कवर हो जाएं, और साथ साथ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इसी लेक्चर से कवर हो जाएं, ताकि आपको, अगर आप बुक ना भी कोशिश करें कि बुक को पढ़ा करें, रीडिंग हैबिट अपनी सेट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।